गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज हीट और टेम्परेचर का 23वां क्लास लेने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक जो है से वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझें, फिर जो है से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्टूडेंट में अपने दोस्तों में फैलाएं। तो देखिए, सबसे पहले जो है से आइए ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो देखिए, इसको हम समझा रहे हैं। मान लिया कि यह जो है एक रूम, एक मकान है, और इसमें देखिए यहाँ पर एक दरवाजा है, रूम है, और एक यहाँ दरवाजा है। तो देखिए, फर्स्ट है, सेकंड है, आई थर्ड है, तीन रूम। तो देखिए, इसमें जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका कहता है कि फर्स्ट बॉडी या सेकंड बॉडी, मान लिया कि पहला रूम और दूसरा रूम जो है से क्या है कि तापीय संतुलन में, और पहला और तीसरा भी तापीय संतुलन में है, तो और दूसरा और तीसरा भी तापीय संतुलन में होगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई बॉडी कोई अन्य दो वस्तुओं के साथ तापीय संतुलन में हो, तो दो अन्य वस्तुएं भी खुद तापीय संतुलन में होता है। तो यह जो है तो इससे पूछा जाता है, इससे कि ताप की परिभाषा जो है से इसी नियम से मिलता है, क्योंकि ताप के बारे में इसमें चर्चा हुआ। तो कहेगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किसकी परिभाषा मिलती है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ताप की परिभाषा मिलती है। अब आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। यह जो है से ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यदि किसी बॉडी को, यदि मान लिया ऐसे समझिए, यदि किसी गैस को हीट सप्लाई किया जाए, ऊष्मा दिया जाए, तो यह दो भागों में खर्च होती है। एक भाग के द्वारा गैस का ताप बढ़ता है, जबकि दूसरे भाग के द्वारा उसका आयतन बढ़ता है या गैस द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। फिर से सुनिए, मान लिया कि किसी गैस को हम हीट दे रहे हैं, तो यह हीट दो भागों में खर्च होता है। एक भाग के द्वारा उस गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि दूसरे पार्ट के द्वारा जो है उस गैस का आयतन बढ़ता है, यानी उस गैस द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। जैसे मान लिया कि हीट सप्लाइड टू गैस, यानी गैस को जो है एच हीट सप्लाई किया गया, तो अगर एच हीट सप्लाई किया गया तो इसके बाद क्या है कि यू जो है से गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च होता है, जबकि W जो है से गैस के द्वारा कुछ कार्य होता है, यानी गैस द्वारा जो गैस अपने आयतन को बढ़ाने में वह पार्ट को खर्च करता है। या ऐसे कहिए कि DQ = DU + DW, या DQ का मतलब कि क्वांटिटी ऑफ हीट बराबर यू, और प्लस DW के लिख सकते हैं PdV, माने वर्क डन है, किया गया कार्य। तो देखिए, किसी गैस को अगर क्यू ऊष्मा दिया गया तो यू खर्च हो गया क्या, गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने में, और इसके बाद जो है से PdV जो है से गैस द्वारा कुछ कार्य करने में, यानी गैस का आयतन बढ़ाने में जो है से इतना खर्च हो गया। तो जो भी ऊष्मा दिया गया तो क्या ऊष्मा बर्बाद हुआ है, नहीं, ऊष्मा बर्बाद नहीं हुआ। जो दिया गया ये दो पार्ट में खर्च हो गया था, बर्बाद कहाँ हुआ। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही न कहता है कि ऊर्जा अविनाशी है, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, न तो इसे क्रिएट कर सकते हैं और न तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ऊर्जा अविनाशी है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है। तो सबसे पहले से जो है से यह तो अच्छा कॉम्पिटिशन में, JEE वगैरह में, जूनियर इंजीनियर में इस समय भी पूछा जाता है कि ई वाला दे देगा, ए या ए वाला दे देगा, और कहेगा कि यह किसका इक्वेशन है।
तो यह फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है, तो यह जो है सही पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है से किसको ओबे करता है, किसका पालन करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, माने उसको पालन करता है, तो यह भी पूछा जाता है। अब आइए ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम जो है से इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक वैज्ञानिक का नाम था क्लाउसियस जबकि दूसरे वैज्ञानिक का नाम था केल्विन। तो क्लाउसियस स्टेटमेंट देखिए, क्लाउसियस का कथन, क्लाउसियस क्या कहा था, तो देखिए क्लाउसियस कहा था कि हीट जो है से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है, माने हीट जो फ्लो करता है तो हीट किधर से किधर जाता है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो है से जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कहिएगा कि कोल्ड से हॉट में जाएगा, तो यह जो है से क्लाउसियस स्टेटमेंट था। और इसके बाद आ गया केल्विन प्लान यानी केल्विन योजना, यानी केल्विन क्या कहा, तो केल्विन आपको कहा था कि 100% कन्वर्सन ऑफ हीट इंटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, यानी 100% जो है हीट का कार्य में परिवर्तन असंभव है। 100% जो है से ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन असंभव है, 100% कन्वर्सन ऑफ हीट इंटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, यह जो है से कौन कहा था, तो यह केल्विन कहा कि 100% ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन जो है असंभव है। हालांकि इसके जो है से विरुद्ध जो है से कार्नोट नाम का एक वैज्ञानिक जो है से एक ऐसा साइकिल बनाया, एक ऐसा इंजन बनाया था जिसको कार्नोट इंजन या कार्ना इंजन लिख देगा, वह जो है से ऐसा एक इंजन बनाया था, ऐसा साइकिल बनाया था जो 100% कन्वर्सन ऑफ हीट इंटू वर्क को पॉसिबल कर दिया था। तो इसलिए वह भी जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कार्ना इंजन है आपका, इसको लिखेगा कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल क्या ऐसा करता है लिख दी, इसे आप समझ लीजिएगा, हम समझा रहे हैं, इस बात को सुनिए। केल्विन प्लान में क्या कहा, केल्विन प्लान में है, केल्विन योजना क्या है, तो केल्विन कहा कि 100% ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन असंभव है, लेकिन कार्ना इंजन एक जो है, मैंने कार्नोट साइकिल जो है एक ऐसा साइकिल बनाया गया, एक ऐसा इंजन बनाया गया जो 100% ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन जो है से संभव दिखा दिया, फिर भी जो है से असंभव ही माना जाता है, इसलिए कि यह जो है से अधिकांशतः जगह हर जगह जो है असंभव ही आएगा, लेकिन कार्ना इंजन एक बनाया गया था जो 100% कन्वर्सन जो है से दिखा दिया था। तो इसको याद रखिएगा, यह जो है से इसको जो है से बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें हम 3 टिक कर दिए हैं कि कौन इंजन है जो 100% कन्वर्सन ऑफ हीट को दिखा दे इनटू वर्क दिखाता है, तो कार्ना इंजन है। अब आइए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम। तो ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम आपको है कि -273.15°C, या कहिए -273°C, अगर ये हटा देगा तो इतना से भी काम चलाता है, या कहिए 0 केल्विन तापक्रम को प्राप्त करना असंभव है, -273.15°C या -273°C या 0 केल्विन ताप को प्राप्त करना क्या है, असंभव है, क्योंकि इस तापक्रम को प्राप्त करने के पहले ही गैसें अपनी अवस्था बदल लेती है, इसलिए इस तापक्रम को प्राप्त करना क्या है, असंभव है। और इस तापक्रम को क्या कहा जाता है, इस तापक्रम को आपको कहा जाता है परम शून्य तापक्रम, इस तापक्रम को क्या कहा जाता है, परम शून्य तापक्रम यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो यह जो है सो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान क्या होता है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान, मान लिया कि चारों च्वाइस जो आपको दिया हुआ है उसमें -273°C है,
तक -273 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये भी है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब इसमें टिक लगाइएगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यह है आपका रियल मान है। अगर ऐसा नहीं देगा तो -273 ही च्वाइस है, तो उसमें टिक लगाइएगा। अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 0 केल्विन आ जाएगा, इसलिए कि केल्विन में कैसे बदलता है, तो केल्विन में अगर बदलना है के, तो के बराबर होता है 273 और प्लस कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को जो है 273 उसमें जोड़ दीजिएगा तो वह केल्विन में बदल जाता है। जैसे मान लिया कि कोई कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 और प्लस 27 जोड़िएगा तो क्या जाएगा, बराबर 300 केल्विन, यानी 273 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन दोनों क्या है, सेम बात है। तो इस तरह से जो है से थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो है से बताए। अब इसके बाद जो है से हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से जो है से इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इधर हम मिटाएंगे भी। अब आइए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यानी न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन जो है से बहुत सा नियम दिया, बहुत से क्षेत्र में न्यूटन नियम दिया, जैसे कैलकुलस का जनक, कैलकुलस का फादर जो है से न्यूटन को कहा जाता है। इसके बाद जो है से क्या है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप पढ़े होंगे कि न्यूटन के गति का नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो इस तरह से न्यूटन जो है से बहुत से क्षेत्र में काम किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, तो इस तरह से जो है से हर जगह है। तो देखिए एक न्यूटन का शीतलन नियम है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, तो शीतलन का मतलब क्या होता है, ठंडा होना, और ठंडा होने का मतलब क्या है, हीट का लॉस। तो हीट का लॉस है, ठंडा होने का मतलब है कि हीट का लॉस। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में जो है से न्यूटन क्या कहा कि हीट लॉस का जो रेट है, कोई बॉडी जो है से मान लिया ठंडा हो रहा है, कोई बॉडी मान लिया कि ठंडा हो रहा है, यानी हीट को वह लॉस कर रहा है, तो अगर हीट को लॉस कर रहा है तो हीट लॉस का जो रेट है वह वस्तु के एवरेज टेम्परेचर, यानी वस्तु के औसत ताप तथा माध्यम के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। यानी रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन क्या, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। यानी कि किसी वस्तु के हीट लॉस का रेट, यानी ठंडा होने की दर, यानी शीतल होने की दर, यानी शीतलन दर जो है वस्तु के औसत ताप और माध्यम के ताप के समानुपाती होता है। बस यही कहा था। मान लिया कि कोई बॉडी है जिसका ताप जो है से थर्मामीटर से उस बॉडी का ताप हमने देखा तो मान लिया कि 58 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वह वस्तु ठंडा हो करके टी समय में जो है से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो गया। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में क्या बता रहे थे कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर, यानी रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है, वस्तु के औसत ताप तथा माध्यम के ताप यानी सराउंडिंग के ताप, परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। तो देखिए h by t, h का मतलब है कि हीट लॉस, तो हीट लॉस आप टाइम से भाग दे दिए तो उसका रेट निकल गया। ये प्रोपोर्शनल क्या लिखे, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू घटाओ थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो देखिए थीटा वन और थीटा टू क्या है, तो थीटा वन जो है और थीटा टू जो है से क्या है, तो यह ताप है, वस्तु का ताप है, यानी पहले थीटा वन ग्रेटर है और थीटा टू क्या है, थीटा टू लेस है। तो थीटा वन डिग्री सेंटीग्रेड से थीटा टू डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में, देखिए ठंडा लिख दिए हैं, वस्तु टी टाइम दिया है, तो इसका एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थीटा वन जो थीटा टू बटे दो, और थीटा माध्यम का ताप है। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु के औसत ताप और माध्यम के ताप के अंतर का समानुपाती होता है। तो देखिए h बराबर एम एस थीटा होता है ना, तो h बराबर एम एस और थीटा वन माइनस थीटा टू, यहाँ लिखिएगा क्योंकि थीटा वन बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटाइएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू बटे टी प्रोपोर्शनल, यही उतार दिए, थीटा वन प्लस थीटा टू बटे दो घटा थीटा, तो यही आपका है। अब इस पर जो है से क्वेश्चन हमेशा जो है से पूछा जाता है, जिसको पूछा हुआ क्वेश्चन हम देखे बना रहे हैं,
कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कोई बॉडी जो है से 10 मिनट का समय लेता है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से माने 50 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा यदि माध्यम का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बिल्कुल इसी पर बैठाना है। तो इस पर अगर आप बैठाइएगा तो क्या आएगा, इसी पर जो है सो बैठाना है कि EMS, अब फिर क्या लिखिएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू बटे टी है तो थीटा वन के जगह पर 60 और माइनस 50 ऐसे घेर दीजिए। अब बटे क्या लिख दीजिएगा, 10, क्योंकि 10 मिनट लेता है। आप प्रोपोर्शनल क्या लिखिएगा, तो 60 और प्लस 50 अब बटे 2 घटाव क्या है, थीटा है, तो थीटा के जगह पर माध्यम का ताप देखिए ये वाला है तो घटाव क्या लिखिएगा, 25 लिखिएगा। तो इस तरह से यह आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, और ये जो है या फिर लिख लीजिए एम एस आई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आई बाई 10 आप प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा ही। तो देखिए 6 5 11 तो 110 हो गया, 110 में जो है से 2 से भाग दे दीजिएगा तो 110 में 2 से भाग 6 5 11 आ गया, 110 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 55 आ जाएगा, 5 5 10 और 5 5 10 11 तो 55 आ जाएगा। 55 में से आप 25 घटा दीजिएगा तो 55 में से 25 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 30, तो इसको लिख दिए पहला समीकरण। चलिए अब दूसरा, ये 10 10 कट भी गया है। चलिए अब दूसरा बात आइए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना टाइम लेगा। तो इस बार ऐसे लिखिए एमएस 50 माइनस कितना, 50 से 40 जाना है, 50 माइनस 40 अब बाई टी लिख दिए टी, अब प्रोपोर्शनल क्या लिख दिए, 50 प्लस 40 अब बटे 2 अब माइनस क्या दे दिए, 25। तो देखिए ऐसे दे दिए तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपको आ जाएगा एम एस इंटू 10 अब बाई टी प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/2 45। अब 45 में से क्या घटा दीजिएगा, 25 घटा दीजिएगा, तो 45 में से 25 घटा दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। तो ये आपको आ गया 20, तो ये आ गया दूसरा समीकरण कहिए। अब इसके बाद क्या है कि पहला में दूसरा से भाग दे दीजिए, पहला भागा दूसरा से, पहला भागा दूसरा से, तो पहला में दूसरा से भाग दे दीजिएगा। तो देखिए पहला क्या है आपका, ईएमएस है ना, तो ईएमएस अब बाई क्या हो जाएगा, तो 10 ईएमएस है तो लिख दीजिए 10 ईएमएस, और टी टी तो उलट के ऊपर चल जाएगा, बराबर लिख लीजिए, प्रोपोर्शनल है, बराबर लिखिए इसको। तो पहला क्या था आपका, तो पहला था 30 और दूसरा में क्या है 20। तो देखिए यही कट भी गया, अरे क्या आ गया, एम एस एम एस खत्म हो गया, अरे क्या आ गया, 2 5 10 5 आ गया, इन साथ ही जितना के लिए तो दिस इम्प्लाई टी बराबर आपको क्या आ गया, 15 मिनट का समय लगेगा। टी बराबर क्या आ गया, 15 मिनट का आपको समय लगेगा। तो बिल्कुल इस पर हमने बैठा दिया और इसका मान निकाल दिया। अब उसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो अगला 15 मिनट में, तो अगला 15 मिनट में ताप घटकर कहाँ चला जाएगा यदि माध्यम का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको भी जो है से इसी पर बना देना है। तो इस पर बनाइएगा तो क्या बनाइएगा कि एम एस 60 माइनस 50 अब बटे क्या लिखिएगा 10, आप प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा ये, तो 60 अब प्लस 50 अब बटे 2 घटाओ 25, इस तरह से आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यह है आपको जो है से मिला जुला के क्या आ गया उसको हम लिख देते हैं, एम एस 10 10 ये तो कट ही जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 10 तो एम एस प्रोपोर्शनल आ जाएगा।
एम एस प्रोपोर्शनल आपका क्या आ गया, ये 55, ये आपको आ गया 55 घटाओ 25, तो 55 घटाओ 25 तो ये 30 आ गया, तो इसको हम लिख दिए पहला समीकरण। चलिए अब दूसरा आइए, एम एस इसके बाद क्या है कि कह रहा है कि अगला 15 मिनट में ताप घटकर कहां चला जाएगा, यानी 50 से घटकर कहां चला जाएगा, तो 50 घटा मान लिया x चला जाएगा, तो 50 घटा x हो गया अब बटे 15, अब प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, तो 50 अब प्लस x अब बटे 2 माइनस 25, ऐसे आ गया, यही जैसा बिल्कुल है। तो यह जो है से मिला जुला करके आपको ये आ जाएगा क्या, इसको हम लिख देते हैं कि एम एस तो जो कहते हैं आई 50 माइनस क्या है एक्स, अब आई क्या है 15 है, तो 15 ठीक है, आ इधर क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल, तो लघुत्तम हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, तो 25 दूनी 50, तो 50 50 कट जाएगा, तो एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 आ जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा एक्स बाई 2 आ जाएगा ये, तो इसको हम मान लेंगे क्या दूसरा समीकरण, 50 घटा एक्स बाई 15 है, आइए क्या आ जाएगा लघुत्तम 2 ले लेंगे, तो लघुत्तम 2 लेंगे तो ये 50 50 तो कट जाएगा, तो x बाई 2 आ जाएगा, इसका आप लघुत्तम लेके देख लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हम करेंगे कि पहला में दूसरा से या दूसरा में पहला से जो है से भाग देंगे, तो इधर आप लोग जो है से उतार लिए होंगे, तो इसको जो है से हम मिटा रहे हैं थोड़ा, और इसको जो है देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, इसको जूम कर करके उतारिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है से हम बना रहे हैं इसका, तो अब क्या कीजिए कि पहला भागा दूसरा लिख दीजिए, पहला भागा दूसरा या दूसरा भागा पहला कुछ भी तो लिख सकते हैं, से देखिए यहाँ से आ गया है ये, तो एम एस में भाग किसे दे दीजिएगा, तो एम एस अब 50 घटा एक्स आई 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा तो 30 अब बाई एक्स बाई 2 है तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी पहला में हम दूसरा से जो है से भाग दिए हैं, तो इस तरह से हो गया ये। तो अब देखिए एम एस के तो कहानी खत्म है, अब आइए 15 दूनी 30 दो बार कट गया, अब इसके बाद जो है से 2 दूनी 4 है, आई क्या है तो x बराबर क्या आ गया, देखिए x बराबर आ गया 2 दूनी 4, तो 4 पचे 20 200 और माइनस 4x, तो ये हो गया आपका क्या 5x, ई पार्टी माइनस 4x है तो ई पार्टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 200, तो इसे काटिए तो 5 × 20 = 40, यानी कहने का मतलब है कि x का मान क्या आ गया x बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो इस तरह से है, इस तरह से दो क्वेश्चन किए, तो इसको जो है से ध्यान रखिएगा कि पहला क्वेश्चन किए थे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कोई बॉडी 10 मिनट का समय लेता है, तो यह तो 50 से 40 तक 60 से जब 50 तक ठंडा होने में 10 मिनट का टाइम लिया, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा, जबकि माध्यम का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो माध्यम का ताप देगा, तो देखिए बिल्कुल जो है सही से फार्मूला पर हमने रखा है एम एस, तो 60 से 50 है, 60 घटाओ 50 बाई टी है, टी का मतलब 10 मिनट आपको दिए हुए है, देखिए 10 मिनट दिए हुए था प्रोपोर्शनल क्या हो गया, तो 60 जोड़ 50 बाई 2 घटाओ 25, तो यह आ गया क्या 10 आ जाएगा, यह 10 आ गया, देखिए कट गया, आई जो है
से क्या आ गया, आई जोड़ करके दो से भाग दीजिएगा 55 आया, 55 में 25 घटाइएगा 30 आ गया पहला समीकरण। उसी तरह से ए में से दूसरा स्टेप चलते हैं कि 50 से 40 तक ठंडा होने में कितना टाइम लेगा, तो ए में 50 घटा 40 बाई टी प्रोपोर्शनल 40 जोड़ 50 जोड़ 40 बटे 2 घटा 25 आ गया, तो ये आ गया दूसरा समीकरण। पहला में दूसरा से भाग दिए तो देखिए पहला में इस साइड में क्या है, एम एस है, तो एम एस में इससे 10 ms से भाग दिए 10 ms अब बाई टी था तो टी बाई उलट के ऊपर चल गया, ms कट गया। आ इधर आ गया 30 बटे क्या आ गया 20 आ गया, 0 0 कट गया था और इसके बाद जो है सही से 2 से ही कट गया, 2 5 10 अब 5 दिया 15 टी बराबर 15 मिनट आ गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेता है, तो अगर 15 मिनट में वस्तु का ताप घटकर कहाँ चला जाएगा यदि माध्यम का ताप जो है से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसी तरह से बनाए हैं एम एस 60 घटाओ 50 बटे 10 प्रोपोर्शनल 60 जोड़ 50 बटे 2 माइनस 25 है, तो इसके बाद ये 10 10 आ जाएगा तो कट ही जाएगा, तो एम एस प्रोपोर्शनल क्या आ गया 30 पहला समीकरण कर दिए। एम एस अब 50 से घट के कहाँ चला जाएगा, तो मान लिया कि 50 से तापक्रम घटकर x चला जाएगा, तो 50 माइनस x बाई 15 मिनट दिया हुआ है कि 15 मिनट टाइम लेता है तो कहाँ चला जाएगा, तो प्रोपोर्शनल तो 50 जोड़ x बाई 2 घटाओ 25 तो ये क्या आ जाएगा, यह जो है सही तो ज्यों कहते हैं ये रह जाएगा तो ये लिख दिए। आ इसके बाद जो है सही इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, तो 25 दूने 50 ही कट जाएगा, x बाई 2 आ गया और पहला में दूसरा से जो है से भाग दे दिए, तो इसके बाद x का मान जो है से क्या निकला, x का मान जो है से आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड निकल गया। तो इस तरह से न्यूटन से लॉ ऑफ कूलिंग पर आधारित प्रश्न था, न्यूटन से लॉ ऑफ कूलिंग पर आधारित एक प्रश्न बोल रहे हैं कि मान लिया कि आप कुछ समय में जो है कुछ ही देर में आपके जो है से आपके पास एक गेस्ट आने वाले हैं और आप जो है से आपको चाय बनाना है, उनको चाय कूलिंग पर एक हमारा प्रश्न चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही मौखिक बोल रहे हैं। मान लिया कि आपके पास जो है से एक गेस्ट कुछ ही देर में आपके पास जो है से एक गेस्ट आने वाले हैं और आप जो है से उनको चाय पिलाने वाले हैं, तो दूध को तो आपने दूध और चाय को मिला करके तो आपने गर्म कर दिया, लेकिन अभी चीनी जो है से नहीं डाले हैं, तो अब जो है से पहला चॉइस हम आपको दे रहे हैं कि गेस्ट के आने पर जो है से चीनी डालेंगे या पहले ही से जो है से चीनी डाल देंगे, इसलिए कि चाय ठंडा हो जाने माने चाय अगर ठंडा पिलाइएगा तो ठीक बात नहीं है, चाय गर्म भी रहना चाहिए और उतना भी गर्म नहीं रहना चाहिए कि जीभे जल जाए, तो इसलिए जो है से मान लिया कि गर्म अगर किया गया है, दूध को गर्म किया गया है, फिर इसके बाद चाय को अगर गर्म किया गया है और चीनी अभी नहीं डाला गया है, तो आप जो है तो हम यही कह रहे थे कि आपके पास जो है से एक गेस्ट आने वाले हैं और उनको आप चाय पिलाना चाहते हैं, तो चाय पिलाना अगर चाहते हैं तो दूध को और चाय को तो आपने जो है से गर्म कर दिया, उबाल दिया है और चीनी आप नहीं डाले हैं, तो गेस्ट के आने के बाद चीनी डालेंगे या पहले ही से चीनी आप डाल देंगे, बशर्ते आपको ध्यान रहना चाहिए कि चाय अच्छा लगना चाहिए, यानी कनेक बहुत अगर गर्म दे दीजिएगा तो जीभे जल जाएगा, वैसा भी नहीं चाहिए, और बहुत अगर ठंडा दे दीजिएगा तो कोई कहेगा कि ठंडा चाय पिला दिया, तो इस तरह से ठंडा चाय भी नहीं पिलाना है और इसके बाद काफ़ी गर्म चाय भी नहीं पिलाना है कि जीभे जल जाए, तो आप जो है से क्या कीजिएगा, तो देखिए ये अभी न्यूटन से लॉ ऑफ कूलिंग पर है, तो देखिए इसका जो है से आप अपना पता नहीं आप क्या आंसर देना चाह रहे हैं, देखिए देखिए मैं आंसर दे रहा हूँ कि अगर मान लिया कि चीनी को जो है से चीनी को जो है अगर मान लिया कि उसको जो है चीनी को पहले से थोड़ा डाल दीजिएगा, तो चीनी को थोड़ा सा पहले से डाल दीजिएगा तो चाय जो है कि चाय के ठंडा होने का दर जो है से घट जाएगा, तो ठंडा होने का दर घट जाएगा और कुछ ही देर में आपके गेस्ट आने वाले हैं तो धीरे 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 चाय ठंडा होगा, और मान लिया कि ऐसे ही अगर छोड़ दिए उसमें चीनी आप नहीं डाले हैं तो ठंडा होने का दर बढ़ जाएगा, यानी तेजी से ठंडा होगा, तो उसके बाद अगर चाय आप डालिएगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा रहेगा, तो इसलिए जो है से गेस्ट जब गेस्ट आ जाएंगे तो गेस्ट आने के पहले ही जो है
थोड़ा सा पहले, थोड़ी सा में गेस्ट आने वाले हैं तो पहले ही जो है तो चाय डालेंगे, एक चीनी डाल देंगे तो धीरे धीरे जो है से ठंडा होगा और उस टाइम तक जो है से कप चाय जो है से बिल्कुल पीने लायक हो जाएगा। तो इस तरह से इतना ही जो है से आज का मैंने वीडियो में हम रख रहे हैं, इतना ही सब बात रख रहे हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में नहीं भागिए, नहीं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। और चुनाने की सिलेक्शन की तो कल्पना ही आप नहीं कर सकते हैं, कल्पना, क्योंकि बहुत से लड़के बैठते हैं मैट्रिक इंटर, नहीं समझ लीजिएगा कि जो भी परीक्षा देता है सब पासे कर जाता है, क्योंकि चोरी से जो है से लिखता है। बेंच पर अगर पांच लड़का बैठा हुआ है और एक लड़का अगर लिख रहा है, एक लड़का तेज है, तो पांचों लड़का पास हो जाता है, क्योंकि उसका देखते ही ओकर देख के उसका देख करके वो लिखता है। माने दो बेंच आ गया, दो बेंच पीछे लगभग जो है से अगर एक लड़का तेज आ गया तो लगभग जो है से 10-12 लड़के जो है से क्या कर जाते हैं, पास करते हैं। तो वैसा नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन भी बदला हुआ रहेगा। मान लिया 10,000 सीट है, मान लिया कि अगर 4,00,000 लड़का जो है से अपियर हुआ तो समझ जाइए कि 3,90,000 लड़का जो है से फेल करेगा। आ इसके बाद 10,000 को पास करना है, वह में खराब रैंक रहेगा तो आपको अच्छा ट्रेड भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो है से अपना इज्जत बचाइए, समाज में जो है सम्मान सम्मान जो है से प्राप्त कीजिए। और इसके लिए जो है से यही उपाय है कि कम एज में जो है से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, एज भी आपका बच जाएगा और इसके बाद काफ़ी दिन तक नौकरी भी कीजिएगा, जेई बनिएगा, जेई का रुतबा कुछ दूसरे आ जाएगा। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो है हजारों 2,000 स्टूडेंट जो है से जेई बना हुआ है, रेलवे में भरा पड़ा है, पावर ग्रिड में भरा पड़ा है, इस तरह से जो है से इसरो में है तो इसके बाद इसरो में भी स्टूडेंट चला गया है, BARC में है, नरेगा मनरेगा जितना है, CCL BCL सब जो है सब जगह भरा हुआ है। तो आप सुनाइएगा तब तो पहले, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कोरोना काल है, कोरोना काल में काफ़ी आपको समय मिल रहा है और इसी के साथ जो है मैं अपने मैटर को, अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।